सो गाइज, वेलकम टू द सेशन। तो आज जो सेशन में हमसे जुड़ी हैं, तो मैम का नाम है श्वेता। तो शी इज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, शी इज वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। अलोंग विद दैट शी इज अ काउंसलर साइकोलॉजिस्ट इन यूनिसेफ। तो मैम का बहुत लंबा एक्सपीरियंस एक रहा है सभी, मतलब सभी इश्यूज से रिलेटेड। तो आज के दो टॉपिक्स मैम को हमने दिए हुए हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट मैम टू स्टार्ट द सेशन। तो मैम, आई विल हैंड ओवर इट टू यू। Thank you, Piyushi. Thank you so much for introducing myself. Our topic is fear, anxiety, and depression. जैसे कि अभी आप स्लाइड कर रहे हैं, मेरा फर्स्ट है आप एंग्जाइटी, व्हाट इज फियर? ओके, आप प्लीज आप सेकंड स्लाइड को स्क्रीन पर रख दीजिए। हाँ जी, आप सभी को मेरी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, व्हाट इज फियर? फियर इज अ, फियर क्या होता है? आप सर, एक मैं ये पूछना चाहूँ, क्या ये टू वे कम्युनिकेट हो सकता है? मैं बीच बीच में क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ? हाँ मैम, बिल्कुल। अच्छा, तो मैं पहले ही जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनके पर्सपेक्टिव को जानना चाहूंगी विदाउट शोइंग माय पीपीटी। तो जो भी लोग हैं वो इफ यू अपने आप डोंट को, माइंड, या मैम, दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ और जो भी उनके हाँ डाउट्स हैं दे कैन आस्क। हाँ मेरा फर्स्ट पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप क्या सोचते हो कि डर क्या होता है? अगर इससे रिलेटेड किसी को अपनी कुछ पॉइंट्स रखने हैं तो प्लीज आप रेज हैंड करिए। नो रेज हैंड, जिसके ओके, भी कोई नहीं। अगर आप अभी कंफर्टेबल नहीं हो, आई थिंक हम स्टार्टिंग में क्वेश्चनिंग करने लग रहे थे, सो अनकंफर्टेबल फॉर एवरीवन, इट्स ओके। अब अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, फियर जो होता है कि एक प्रिमिटिव यानी सबसे फर्स्ट इमोशन होता है। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सिचुएशन अचानक से हमारे सामने आती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है हमारे लिए। मैम, मेरा मानना है कि डर ये होता है कि अगर हम किसी चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं है और अचानक से जैसा भी कोई चीज आ रहा है, सपोज दैट मैं स्कूल जा रही हूँ, बारिश आने लगे और हमारे पास छाता ना रहे, तो एक डर सा हो जाता है। मैं डर हाँ मतलब जी, हम एक्सप्लेन भूल नहीं कर जाएंगे। पा रही हूँ, हाँ, सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण डर होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ऐसा होता है कि जब हम, मैम, अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हाँ की जी, तरफ, पीओसी यूपीएससी के एस्पिरेंट की तरफ बात करूं, तो डर मेरे हिसाब से ये है कि कल को प्रीलिम्स है और हमने ना लक्ष्मीकांत हमारी पूरी है, ना एनवायरनमेंट शंकर आईएएस पूरी है, और अरे सब कुछ हमारे सिलेबस बचा हुआ है और कल को प्रीलिम्स है। मन में ये मीन्स डिलेमेटिक सिचुएशन है कि कल को प्रीलिम्स में जाके एग्जाम दिया जाए ना दिया जाए, तो एक डर सा बैठ गया है मन में। तो ये भी एक काइंड ऑफ फियर आई से, और जो यहाँ पे मौजूद है इन सभी के मन में इस टाइप का मतलब फियर है आपने प्रिपरेशन नहीं की, इस वजह से आपको डर हो। जी कि कल का एग्जाम कैसा है। मतलब 90% प्रिपरेशन, एक डर तो ये है कि एस्पिरेंट में दो टाइप का डर हो सकता है, एक तो ये है जिसने प्रिपरेशन नहीं की है, किसने जिसने सब कर ली बट उसको फिर भी ये लग रहा है कि कुछ तो छूटा है। हाँ जी, जी मैम, यू कैन कंटिन्यू नाउ। हाँ जी, हाँ जी, ओके, थैंक यू पियूष जी, शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव और फियर। अब यहाँ पे जो मैंने स्लाइड दिखाई आपको, फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड जो हमारी है कि फियर इज अ प्रिमिटिव इमोशन, मतलब ये हमारा फर्स्ट इमोशन होता है। जब भी हमारे आसपास, हमारे अराउंड में कोई भी ऐसा डेंजर प्रेजेंट होता है तो हम फियर फील करते हैं। जैसा कि अभी मैम ने किसी ने कहा था कि हमें अगर छाता नहीं मिलता है तो हम डर जाते हैं, हम भीगेंगे। इट्स काइंड ऑफ फियर, काइंड ऑफ, बट इट्स नॉट अ फियर। ये सिर्फ एक बेसिक एंग्जाइटी का पार्ट, मैम वॉइस क्रैक हो रही है। हेलो, देता है। और हमें ये होता है कि ये सिचुएशन में या ये ऑब्जेक्ट हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस सिचुएशन में क्रिएट होता है जो इमोशन हमें फील होता है,
फर्स्ट इमोशन हमें फील होता है उसे हम फीलिंग कहते हैं. ओके एम आई ऑडिबल ना? या मैम यू आर ऑडिबल नाउ. ओके ओके ओके. अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ जेंडर एक्सपेक्टिंग समथिंग बैड टू हैपन. जब हम ये सोचते कि नहीं ऐसा होने से कुछ हमारे से बुरा होने वाला है, ऐसी जो अनप्लीजेंट फीलिंग आती है, समझा कि फियर जो होता है कि फर्स्ट फीलिंग होती है अनप्लीजेंट का, जो कि प्लेजरेबल बिल्कुल भी नहीं होता. और जब ये फीलिंग तब आती है जब हमारे सराउंडिंग हमारे आस पास के एरिया में ऐसा कुछ होता है जिससे कि हमें लगता है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है. कॉमन कॉजेज ऑफ फियर. तो कॉमन कॉजेज क्या होता है? एक्सपेक्टेशन दैट वी हैव टू डू वेल. हमें हमेशा एक्सपेक्टेशन होते हैं खुद से या दूसरों से भी होता है समटाइम्स. जैसे कि आपने बताया कि यूपीएससी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम सोचें तो हमेशा हमें लगता है कि हमें अपने काम से उनका बेस्ट देना है. तो खुद से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वी हैव टू डू वेल. तो ये एक रीजन होता है फियर. आप अभी खुद बता रहे थे कि हमें ये भी पूरा करना होता है, ये भी सारी आपने बुक के नहीं बताया क्योंकि आई एम नॉट फील्ड ऑफ यूपीएससी, सो आई कांट एक्सप्लेन दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो आपने जो बताया कि आपको एक लिमिटेड टाइम में आप नहीं कवर अप कर पाते, लिमिटेड टाइम. एंड द थर्ड थिंग, वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग व्हेन टू मेनी आईज गेज एट अस. क्योंकि क्या होता है, ये मोस्टली होता है जब सोशल स्पीकिंग के टाइम में हम कहीं सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ओके, तो जब आप इंटरव्यू फेज में होंगे तो उस टाइम आपको बेसिकली ये इश्यूज बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि वहां पे पैनल में बहुत से लोग होते हैं और वो सभी आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपके रिस्पॉन्स को नोट कर रहे होते हैं. तो वहां पे क्या होता है कि आप जो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग या सिचुएशन में होते हैं, तो दैट इज अ कॉज ऑफ फियर कि हम अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, हम बेस्ट वे में दे ही नहीं पाएंगे, अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज अ मेन और कॉमन कॉजेज ऑफ फियर. द फर्स्ट जैसा मैंने बताया कि एक्सपेक्टेशन होता है कि हम हमें हमेशा अपना बेस्ट देना है. और सेकेंड कि लिमिटेड टाइम पीरियड में एक वास्ट बहुत ही लेंदी या फिर बहुत से काम को करने में हम जब हम इनएबिलिटी का फील करते हैं तो वो सिचुएशन एक होती है. एंड द थर्ड थिंग कि वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग व्हेन टू मेनी आईज गेज एट अस. जब हमें लगता है कई लोग हैं जो मुझे ऑब्जर्व करते हैं, ये बेसिकली आप लोगों को तब फील होगा जब आप इंटरव्यू फेस टाइम में होंगे. ओके ओके, द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. फॉर्मूला फॉर फियर. ये फियर का कोई बेसिकली स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है. इस जो भी हमने अभी तक कई डेफिनेशन और ये सारी चीजें पढ़ी और एक्सपीरियंस किया है कि क्या हो सकता है फियर का फॉर्मूला, तो ये इट्स मेड बाय मी. तो डोंट टेक इट सीरियसली कि ये फॉर्मूला है, क्योंकि आप बहुत सीरियसली ले लेते हर चीज को. मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी. मैम वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल. मैम अनम्यूट, मैं म्यूट कर लिया. श्वेता मैम बार बार म्यूट हो जा रहा है आपसे, मैम इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए. तो भाई मी हो रहा है, मेरे साइड से हो रहा है म्यूट आपको? जी जी जी, मुझे लग रहा है कि आपके साइड से हो रहा है. इन एक्शन प्लस पास्ट फॉल्स एविडेंस. इन एक्शन का मतलब होता है कि जब हम फियर की कंडीशन में होते हैं तो हम एक्शन मूड से हट जाते हैं, यानी कि हम कुछ एक्शन नहीं कर पाते हैं. ओके, एंड द प्लस पास्ट फॉल्स एविडेंस, हमारे जो पास्ट हमारी लाइफ में हो चुका रहता है, जो भी हमारे पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, एविडेंस होते हैं, उसके बेस पे हम अपने फ्यूचर को कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लास्ट एग्जाम में आपने स्कोर बहुत बढ़िया किया है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा हाई होगा. लेकिन अगर आपने लास्ट एग्जाम में बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया होगा, बहुत बेस्ट प्रिपरेशन किया होगा, और उसके बाद भी अगर आपका जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही नॉर्मल सा आता है या फिर बहुत एक्सपेक्टेशन से बहुत लो आता है, तो क्या होता है कि आपका जो फ्यूचर, एक आप जो सोचते हो कि
नहीं मे भी इस बार भी वैसा ही है, अब उसके आप थोड़ा सा ऊपर सोच पाते हो, तो फास्ट फोन एविडेंस भी बहुत मैटर करते हैं आपको क्लियर के लिए. ओके, द थर्ड थिंग इसमें क्या है कि फ्यूचर कस्टोफोबिक थिंकिंग, फ्यूचर में के लिए आप जो बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं कि हम हमेशा अपने फ्यूचर के लिए बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं कि नहीं हमें जैसे यूपीएससी के अगर बहुत सक्सेस से हम बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में सभी ये सोच के आते हैं कि हम क्या करें, हम टॉप लिस्ट में आने वाले हैं, हम उस लेवल की मेहनत भी करते हैं, तो उसके लिए हमें क्लियर होता है कि अगर नहीं आया तो फ्रॉम आपको फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से वो एक एम्बेरसिंग सिचुएशन ना फेस करनी पड़े. ओके, नेक्स्ट इज में स्नो बॉल ऑफ थॉट. स्नो बॉल ऑफ थॉट का मतलब ये होता है कि आपके माइंड में कोई एक थॉट आता है, ओके, और उस थॉट से आप दो तीन और थॉट डेवलप करते हो, और उन दो तीन थॉट से आप तीन चार और थॉट डेवलप करते हो. इट्स कॉल्ड स्नो बॉल ऑफ थॉट. आपने स्लाइड शायद आगे कर दी, आप एक स्लाइड पीछे कर लो प्लीज. इसमें मैंने बताया कि स्नोबॉल ऑफ थॉट, स्नोबॉल ऑफ थॉट का मतलब ये होता है कि आपके माइंड में एक नेगेटिव थिंकिंग ने डेवलप किया, उस नेगेटिव थिंकिंग ने दो तीन और नेगेटिव थिंकिंग को डेवलप किया, और उन दो तीन नेगेटिव थिंकिंग को ने क्या किया कि उसने और मोर देन 5-6 टाइम डेवलप किया नेगेटिव थिंकिंग को. जैसा कि आपने एक सलमान खान की मूवी थी उसमें उन्होंने डायलॉग दिया था कि आप ये टीम को कहना, वो आगे टीम को बोलेंगे. इट्स अ काइंड ऑफ स्नोबॉल. ओके, इन्फॉर्मेटिव, जैसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन वे में बोला था, बट यहाँ पे हम थॉट की बात कर रहे हैं और स्पेशली हम नेगेटिव थॉट की बात कर रहे हैं. तो ये सब मिलके कैसे एक फियर को डेवलप करते हैं, कि इन एक्शन मोड होता है जब भी हम फियर के सिचुएशन में होते हैं कि हमारा जो एक्शन होता है वो बंद हो जाता है, हम इन एक्शन मोड में आ जाते हैं, और उसमें एक रिस्पॉन्सिबल फील होता है. पास्ट फॉल्स एविडेंस, पास्ट फॉल्स एविडेंस का मतलब ये हुआ कि जो भी हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया हुआ उससे हम अपने फ्यूचर को अज्यूम करने लगते हैं, और वो काफी हमें प्रॉब्लमेटिक होता है. एंड द थर्ड, जो कि मैं बार बार डबल एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि अगर हम क्लियर वाला पोर्शन कम्प्लीट करेंगे तो हम थोड़ा सा बीच में एक टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे. मैं आपसे क्वेश्चनिंग भी करूंगी, तो आई होप कंफर्टेबल हो गए आप उस चीज को लेके, या आप कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप भी मुझे इससे रिलेटेड, इस चीज से रिलेटेड आप पूछ सकते हो. एंड द थर्ड थिंग इज की फ्यूचर कॉस्ट्रोफोबिक थिंकिंग. फ्यूचर कॉस्ट्रोफोबिक थिंकिंग का मतलब ये हुआ कि आप फ्यूचर को लेके एक ओवर एक्सपेक्टिव वे में थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग. ओके, एंड द थर्ड फोर्थ है स्नो बॉल ऑफ थॉट. स्नो बॉल ऑफ थॉट का मतलब मैंने आपको बताया और एक एग्जाम्पल भी दिया, क्योंकि काफी फेमस एग्जाम्पल है, या आप एक बार तीन से कहना वो आगे तीन से कहेंगे. तो ये कि एक चैन बनना, लेकिन यहाँ पर स्नोबॉल की जो चैन होती है वो ट्रिपल फोर्थ या फिफ्थ ऐसे में भी आगे फॉरवर्ड होती जाती है. एंड नेक्स्ट की फीलिंग. तो ये जो चार और पांच मैटर्स हैं ये मिला के फियर्स बनता है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हम नेक्स्ट एंजाइटी का पोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप में से किसी को फियर से रिलेटेड जो हमने स्लाइड्स थी हमारे उसमें से आपको कोई डाउट हो तो हम यहाँ पे ही क्लियर करें. एनीवन हैव एनी डाउट? अगर किसी के पास कोई डाउट है तो यू कैन आस्क डायरेक्टली. अनम्यूट कीजिए खुद को और डाउट रेज कर सकते हैं हैंडल करने के बाद. आपने फोन किया था ना, इसलिए वापस किया दूसरे नंबर पे. असदुल इस्लाम, आपने हैंड रेज किया है तो अनम्यूट कीजिए खुद को और डाउट यू कैन आस्क. Fear is something like when we are unsatisfied with ourselves. So when we talk about fear, sometimes it is advantage for us. The condition that gives us fear is when we focus on it, we can take advantage. Suppose if we are preparing for exam, we are having fear of fear to cover a syllabus, and due to fear, we can easily cover it.
आपका जो बात है मुझे समझ गई, बट मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे जो भी बातें अभी जब मैं स्लाइड शेयर ओनली फॉर फियर, ठीक है हम कॉजेज और आप जो ओवरकम वाली बात है वो हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं, बट आप फियर को लेके समझ पाए हो कि नहीं कि व्हाट इज फियर एंड कॉजेज ऑफ फियर? प्लीज अनम्यूट करिए आप खुद को ताकि आप बोल सके जो आप कहना चाहते हो। नसीरुल इस्लाम प्लीज अनम्यूट करिए। शुड यू कैन कंटिन्यू टिल देन, जब तक कोई डाउट नहीं आता है मैम यहाँ पे रेज हैंड करेगा जो भी डाउट होगा तो। ओके 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 फाइन कम बैक। द नेक्स्ट पॉइंट इज एंजाइटी। एंजाइटी इज अ स्टेट। हम एक एंजाइटी का मतलब क्या होता है, हम हमेशा बोलते हैं यार मुझे एंजाइटी फील हो रही है, मैं बहुत एंग्जियस फील हो रहा हूँ। एंजाइटी में दो स्टेट होती है, एक तो आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, एक आपकी फिजिकल स्टेट होती है। फिजिकल स्टेट में क्या होता है, जैसे कि आपकी ब्रीथिंग इश्यूज आना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, स्वेटिंग आना, ये तो एक फिजिकल स्टेट हो गया। और साइकोलॉजिकल स्टेट में क्या होता है कि आप बहुत ही जो एंग्जाइटी की मेन फीलिंग जो आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते तो वो हो जाता है साइकोलॉजिकल इश्यूज। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी। ओके और इसमें ये जो सिम्टम्स आते हैं इनके, एंग्जाइटी इज अ स्टेट ऑफ कंट्रोलिंग साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सिम्टम्स ब्रॉट अबाउट द सेंस ऑफ एप्रिहेंशन एट द परसीव थ्रेट। जैसे हम अपने थ्रेट को परसीव करते हैं तो हमें एक एंग्जाइटी के सिचुएशन में जाते हैं और वो एंग्जाइटी जो सिचुएशन के सिम्टम्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल भी होते हैं और फिजिकल भी होते हैं। और जो भी हम थ्रेट परसीव करते हैं वो टू टाइप होते हैं, एक तो एक्सटर्नल होते हैं और दूसरा इंटरनल होते हैं। क्योंकि थ्रेट को मैंने इसलिए डिफाइन करना ज्यादा जरूरी समझा क्योंकि हमें पता होना चाहिए थ्रेट किस थ्रेट, क्योंकि हम लास्ट फियर में भी थ्रेट पेन हार्म्स की बात कर रहे थे और उसमें भी हम थ्रेट पेन हार्म्स की बात कर रहे हैं। तो जो इसमें एक्सटर्नल स्टेट होगा उसमें हम सोशल फोबिया या सेक्सी फोबिया को रखेंगे, अभी हम आगे नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। और इंटरनल में हम पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड ओसीडी को रखते हैं। ये टाइप्स हैं एंग्जाइटी के, क्योंकि जो एंग्जाइटी को बताते हैं कि एंग्जाइटी क्या है, काइंड ऑफ एंग्जाइटी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट फिगर है उसमें जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में लिखा हुआ है, एंड द सेकंड है उसमें पैनिक, एंड थर्ड में सोशल एंग्जाइटी, एंड फोर्थ में एग्रोफोबिया, और लास्ट है स्पेसिफिक एंग्जाइटी। तो फर्स्ट है जो जीएडी, जिसको हम जीएडी भी बोलते हैं, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये एक स्ट्रेस और एक्सेसिव वरी होता है किसके लिए, जो अभी आपके डेली लाइफ इवेंट्स होते हैं, यानी एवरीडे जो इवेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है, लाइक कि आपको ऑफिस जाना तो आप रेगुलर ऑफिस के लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन सिचुएशन में जाते हो, या डेली आप जो पढ़ाई कर रहे हो, फिर जो डेली एवरीडे एक्टिविटीज हैं उनको लेके जब आप में बहुत एंग्जाइटी हमेशा होती है तो वो हो जाता है जीएडी। इसको इसलिए हम जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। सेकेंड है पैनिक। पैनिक उस सिचुएशन को बोलते हैं जो एक्सेसिव लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का, और ऑन द स्पॉट, और कभी कभी जो पैनिक की सिचुएशन आती है कि हम फ्यूचर को अज्यूम करके भी बहुत पैनिक हो, जैसे कि एग्जाम से पहले कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो हमारे यहाँ सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। तो पैनिक की सिचुएशन, मैम थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, ये सेशन जो है मतलब एक मिनट के लिए जो है सभी लोग रिजॉइन हो जाएंगे क्योंकि ये 40 मिनट जो है लगभग कम्प्लीट हो गए, रिजॉइन हो जाएंगे सभी अभी इसी लिंक से, सेम लिंक से ये एंड जी मैम ये एंड हो जाएगा क्योंकि जूम का एक टाइम लिमिट होती है 40 मिनट की, तो वो पूरी हो गई है तो शायद अब सेशन ये यहाँ से जूम एंड कर देगा 40-15 मिनट। उनको थोड़ा सा ना डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे मैंने बताया कि जो जीएडी होता है उसमें आप जो बेसिक डिटेल्स लेते हो, डे टू डे जो आपकी लाइफ है, आप जो डेली एक्सपीरियंस करते हो, आपके जो एवरीडे इवेंट्स है, उसमें जब आपको प्रॉब्लम आती है यानी उसको लेके आप छोटी छोटी बात से बहुत एंग्जाइटी फील करते हो तो वो हो जाता है जीएडी में। आप प्लीज एक रिक्वेस्ट भी है कि मैं ये सारी चीजें जो बता रही हूँ आप अपने आप पे इसको मत लेना कि नहीं मेरे में भी ये सिम्टम्स आते हैं तो क्या मैं, मुझे जीएडी है,
कहीं मुझे पैनिक की सिचुएशन में तो नहीं आता कि मुझे पैनिक डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि आपको एक साइकोलॉजी पेपर पढ़ना होता है और मुझे कई ऐसे केसेस भी आ चुके हैं यूपीएससी स्टूडेंट्स ही रह चुके हैं, तो उन्होंने ये बोलते हैं कि मैम मुझे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मैं पूछती हूँ आपको किसने कहा आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो वो मुझे ये कहते हैं कि हमने पढ़ा है मैम इसलिए मुझे पता है कि मुझे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार सारे डिसऑर्डर्स पढ़िए, मैं लिख के देती हूँ आपको लगेगा कि आपको सारे डिसऑर्डर्स हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप नॉर्मल दिखते हो, आप नॉर्मल बिहेव करते हो, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपको सारे डिसऑर्डर होंगे। तो डोंट टेक सीरियसली जो भी हमें बहुत जनरल लेमन लैंग्वेज में बहुत इसलिए बात करें क्योंकि आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़नी है और पढ़े ही होगी या पढ़ोगे आप अभी अगर आपने साइकोलॉजी पेपर को टच नहीं किया है तो। ओके, सोशल एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी जो होता है एक इरेशनल फियर होता है फॉर बीइंग वॉच्ड एंड जज्ड। आपको ये लगता है कि कोई है जो हमारी सोसाइटी में, या आप जब भी बाहर जाते हो तो लोग आपको वॉच कर रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, जब ये वाली फीलिंग आती है हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी ऐसा नहीं कि आप कभी कभी किसी पार्टी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो और आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो अपनी ड्रेस को लेके, तो वहां पे ये लगता है कि नहीं हमको कोई वॉच कर रहा है, हमें जज कर रहे हैं लोग कि मैंने शायद अच्छे से कैरी नहीं किया है। तो मोस्टली ये गर्ल्स में आता है ये प्रॉब्लम। और अगर मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो ये आप, मैंने पहले भी कहा है कि आप इसको उस वे में मत ही लेना, क्योंकि वो कॉमन है कि आपको फियर और एंग्जाइटी होती है, एग्जाम एंग्जाइटी और इंटरव्यू एंग्जाइटी। तो अगर इंटरव्यू टाइम में ऐसा होता है कि आपको ये लग रहा है कि मैं कैसे बैठा हूँ, मैं किधर देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें ऑब्जर्व हो रही है, क्योंकि वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं जो कि आपके उस नॉन वर्बल बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो वो एक वन टाइम हुआ तो उसको हम सोशल एंग्जाइटी में नहीं इंक्लूडेड करेंगे। ओके, बट अगर ये फ्रिक्वेंटली आपके डे टू लाइफ में हो रहा है तो ये हम उसमें इंक्लूडेड करते हैं कि ये एक सोशल एंग्जाइटी का मतलब केस है। The fourth thing is agoraphobia. Agoraphobia, fear of wide range of public places. आप जब भी public places पे जाते हो, public setting पे, इस पे एक movie भी थी, आई होप अगर किसी ने देखा हो agoraphobia पे, कि उसमें उनको यही इशू होते हैं कि वो public places पे जाने से बचती हैं, उनको वो कम्फर्टेबल ही नहीं फील, क्योंकि और सेटिंग माइट बी डिफिकल्ट, वहां से उनको हमेशा ही रहता है कि मैं जैसे भी हो सकता है बस वहां से निकल के भागाऊं, यानी वो सोशल अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते। और जो लास्ट है कि स्पेसिफिक फोबिया या स्पेसिफिक एंग्जाइटी, तो यहाँ पे ये होता है कि स्पेसिफिक जो कि बहुत क्लियर नहीं है, वहाँ पे मैंने एक इमेज ही कॉपी किया होगा, ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट, किसी सिचुएशन से आपको जब फियर फील होता है और आप उसको लेके बहुत एंग्जियस फील करने लगते हैं, तो वो एक होता है स्पेसिफिक एंग्जाइटी या स्पेसिफिक फोबिया में इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिफरेंस बिटवीन फियर एंड एंग्जाइटी, हमने फियर में भी पढ़ा कि उसमें भी थ्रेट हार्म्स और पेन की फीलिंग्स होती हैं, अनप्लीजेंट इमोशंस होते हैं, एंग्जाइटी में भी उससे सिमिलर सा कुछ पढ़ा, बट इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होती है। तो बेसिक इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि फियर में आपको पता होता है कि आपके आसपास कोई एक थ्रेट है, ठीक, आप उसके बारे में जानते हो। जैसे कि मैंने एक डॉग की पिक्चर लगाई थी तो मैं उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि आपको पता है कि कोई कुत्ता है आपके सामने जो भौंक रहा है आपको देख के, तो वो एक नोन और अंडरस्टूड थ्रेट है आपके लिए, ठीक है। और आपने उसके लिए क्या किया, एक इमोशनल रिस्पॉन्स किया जो कि हम फियर का जिसको नाम देते हैं। बट एंग्जाइटी में क्या होता है कि एंग्जाइटी में जो भी सिचुएशन होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, वो अननोन होती है और पुअरली, बहुत ही हम क्लियर वे में उसको डिफाइन नहीं कर पाते। जैसे आप एंग्जाइटी के किसी पर्सन से पूछो क्या फील क्या कर रहे हो, तो वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाएंगे कि पर्टिकुलर मुझे किस चीज से एंग्जाइटी हो रही है, किस सिचुएशन से एंग्जाइटी हो रही है, तो वो एक्सप्लेन नहीं होता। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो एक्सप्लेन तो कर पाते हैं बट बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ओके, तो एंग्जाइटी क्या है कि एक फॉर्म है, अननोन फॉर्म में होता है, अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में होता है और पुअरली डिफाइंड थ्रेट होता है कि बहुत क्लियर वे में नहीं होता, और ये अनप्लेजेंट और वेग सेंस होता है। वेग का मतलब अस्पष्ट रूप से होता है जिसको कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मैंने नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि व्हेन पीपल फेस विद फियर मोस्ट पीपल विल एक्सपीरियंस अ फिजिकल रिएक्शन दैट आर डिस्क्राइब अंडर एंग्जाइटी। इसका मतलब ये है कि जब भी हम फियर के सिचुएशन में होते हैं तो हम हमेशा अपने फिजिकल रिएक्शन को महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं,
ओके, और जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो अपनी एंग्जाइटी को बता रहे होते हैं कि मुझे ये फील हो रहा था. ऐसा नहीं है कि आप अपने फियर को एक्सप्लेन कर रहे होते, वहां पे आप अपनी एंग्जाइटी को फील कर रहे हो. तो समटाइम्स क्या होता है कि फियर कैन कॉज एंग्जाइटी एंड एंग्जाइटी कैन कॉज फियर. एंग्जाइटी की वजह से फियर भी हो सकता है और फियर की वजह से एंग्जाइटी की भी सिचुएशन आप में डेवलप हो सकती है. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड में है ओवरकम फियर एंड एंग्जाइटी. फियर एंग्जाइटी को कैसे कम किया जा सकता है, और मैंने उसके नीचे लिखा है योर माइंड इज यू. योर माइंड इज यू मीन्स आपका माइंड आप हो, यानी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको गाइडेड कर सकते हो कि पर्टिकुलर आपको क्या चीजें सोचनी है, किससे आपको डरना है. वो पर्टिकुलर जिससे भी आप डर रहे हो वो डरने वाली चीज है भी या नहीं, ये जिस चीज से आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो वो पर्टिकुलर उस लेवल की एंग्जाइटी फील करने लायक वो सिचुएशन, वो प्लेस या वो ऑब्जेक्ट है भी या नहीं है. अगर स्पेसिफिक एंग्जाइटी, अगर आपके रूम में कॉकरोच है तो उससे आप डर के बहुत पैनिक सिचुएशन में चले जा रहे हो, तो वो एक एंग्जाइटी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. तो आपके माइंड को ये चीज पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर आपको किस चीज से डरना है या एंग्जाइटी फील करना है या नहीं करना है. तो दैट्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि योर माइंड इज यू. अब आते हैं कि इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. तो फर्स्ट की लर्न मोर अबाउट योर फियर. आप अपने डर के बारे में डीपली जाओ और उसको समझो, जानो कि क्या ये डर जेन्युइन डर है, क्या ये रैशनल है. ओके, द सेकंड, यूज योर इमेजिनेशन इन पॉजिटिव वे. आप अपने इमेजिनेशन पावर को मतलब पॉजिटिव वे में लो या निगेटिव वे में नहीं. जैसा कि एग्जाम्स को लेकर हम डरते हैं कि एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम हमारा बहुत अच्छा नहीं हुआ, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो ये होगा, हमारे साथ ये निगेटिव सिचुएशन आएगी, मैं तो यही कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा. ऐसे इरेशनल थॉट्स आते हैं आपको मोस्ट ऑफ द कुछ केसेस में. मैं इसको जनरलाइज वे में नहीं कह रही हूँ, डोंट टेक माई वर्ड सीरियसली. यूज योर इमेजिनेशन पॉजिटिव. यानी आप जब भी एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, आप जब भी अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो हमेशा उसको पॉजिटिव वे में परफॉर्म करने का सोचो कि नहीं, मैं जो भी एक्सप्लेन करने जाऊंगा, अपने अपने परफॉर्म करने जाऊंगा, तो वहां पे मेरा हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है. अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको कॉन्फिडेंस में ही वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि आपकी उस कॉन्फिडेंस से आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो. द थर्ड, यूज योर ब्रेन इन अ डिफरेंट वे देन यूजुअल. यानी आप यूजुअली जो थिंकिंग करते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप उससे थोड़ा हट के आप उस चीज पे कनेक्ट हो, अपने आप को ब्रेन को रैशनली वे में थोड़ा सा थिंकिंग करो. इसमें मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगी कि आप सोशली जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप ऐसे फ्रेंड्स से ज्यादा कनेक्टेड रहो कि जो उस टॉपिक पे बात करने के लिए आपको मिल जाए. क्योंकि पढ़ना की सॉल्यूशन नहीं होता कि आप पढ़ने पढ़ लिए और आप एग्जाम में करके आ गए, क्योंकि वो क्या होता है कि आपने पढ़ा और आप वहीं पे वो चीजें ड्यूरेबल होती है कुछ टाइम के लिए. जब आप उसी टॉपिक को किसी के साथ डिस्कस करोगे, किसी के साथ शेयर करोगे और उसकी पर्सपेक्टिव को भी जानोगे कि उस टॉपिक पे उस पर्सन का क्या पर्सपेक्टिव या उसने किस बुक से कहाँ से क्या पढ़ा है, कुछ नया पढ़ा, तो जब वो आपको अपनी चीजें बताते हैं तो आपको एक नई नॉलेज, एक नया एक्सपीरियंस मिलता है. तो इसलिए अपने ब्रेन को, अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए, और इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को एक रैशनल थिंकिंग का एक वे मिल जाता है. ओके, नेक्स्ट है फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. जब भी आप एंग्जाइटी और फियर के सिचुएशन में हो तो हमेशा पहला काम करना चाहिए कि अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपकी ब्रीदिंग से स्टार्ट होती है. तो आप ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप उस फियर से, आप उस एंग्जाइटी सिचुएशन से को ओवरकम कर पाओगे. द नेक्स्ट है नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ गुड स्लीप एंड गुड फूड. हम हमेशा क्या होता है कि बहुत पढ़ने के चक्कर में अपनी पढ़ाई के बहुत ज्यादा सिलेबस है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे 9 आवर्स पढ़ना है, मुझे 12 आवर्स पढ़ना है, मुझे 15 आवर्स पढ़ना है. उस चक्कर में आप क्या करते हो तो अपनी नींद को और अपने खाने को अवॉइड कर देते हो. और आपको ये चीज पता होना चाहिए, अगर नहीं आप करते हो तो, कि ये आपको बहुत रेगुलर वे में और बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए. यानी कि आप स्लिप, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को आदत है कि वो नाइट स्टडी करते हैं, लेट नाइट स्टडी या पूरी होल नाइट स्टडी करते हैं और दिन भर सोते हैं, क्योंकि रात सोने के लिए बना और दिन जगने के लिए बना. तो आप अगर कोशिश करो
कि दिन में पढ़ाई करो और रात को सो, क्योंकि मैंने जितने भी स्टूडेंट्स देखे वो रात में बहुत कंफर्टेबल कि मैम रात को तो बहुत शांति होती है, हमें अपना स्पेस मिलता है, हम रात को पढ़ते हैं, बट आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से आप में हमेशा एक एंग्जाइटी की सिचुएशन बनी रहेगी, आप हर छोटी छोटी बात पे अग्रेसिव भी होगे, क्योंकि हमें लगता है कि यार सोना और खाना पेट भरना ही तो है। अभी जो भी जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, उनकी नाइट ड्यूटीज होती है, वो डे में अपनी नींद को पूरी करते हैं, बट उस नींद से उनको फिर भी एंग्जाइटी अग्रेशन इन सब चीजों से झेलना पड़ता है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो कंप्लीट स्लिप नहीं होता है। मेन जो स्लिप होता है वो रात को 10:30 या 10 o'clock टू 5 o'clock। आप रात को होल नाइट अपना कम से कम 7 to 8 hours की स्लिप लीजिए और अर्ली मॉर्निंग उठ के आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फियर एंग्जाइटी डिप्रेशन इन सब चीज से निकलने के लिए। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये तो सिर्फ ज्ञान टाइप की बातें हैं, हम थोड़ी फॉलो करेंगे, हम तो रात को ही जगेंगे, हम रात को ही पढ़ेंगे, तो आप करिए, लेकिन ये सजेशन है, आपको गाइडेंस है कि आप इस चीज को फॉलो करिए। एक बार कोशिश करिए, आप 1 week आप रात को सोइए, दिन में पढ़ाई करिए और प्रॉपर टाइम टू टाइम अपने खाने को लीजिए। आपने लंच लिया हैवी, फिर उसके बाद आपने सॉरी ब्रेकफास्ट हैवी लिया, फिर आपने लंच लिया और लास्ट में आपने थोड़ा सा लाइट डिनर लिया, तो वो उस चीज को फॉलो करिए और स्लिप को फॉलो करिए जो एक पैटर्न है। आप तो आपको बेसिकली इन सब चीजों से थोड़ा फाइट करने का एक स्ट्रेंथ अपने आप डेवलप हो जाएगी, और मेडिटेशन भी ट्राई करिए। ये एक पर्सनल सजेशन है क्योंकि मैंने अभी बहुत से केसेस देखे थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन कि उनको बहुत इश्यूज आते थे और ये दो सी प्रॉब्लम उनमें बहुत ज्यादा डेवलप हुई थी, और इस पे कंट्रोल करना अगर अभी आपने नहीं किया तो आगे काफी इश्यूज आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है कटिंग द नेगेटिव पीपल बट नॉट कटिंग ऑफ सोशल लाइफ। अभी मैंने पहले ही बताया कि आप अपने सोशल फ्रेंड्स जो भी हैं उनसे, अगर जो भी आपके यूपीएससी से एक्सपीरियंस है उनसे अपने टॉपिक को लेकर डिस्कस कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, उनसे शेयर करिए अपने पर्सपेक्टिव, उनके पर्सपेक्टिव को समझिए और जानिए। इससे क्या होता है आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है। और हम क्या करते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कि नहीं हमें बहुत सोशल नहीं होना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जाके सबसे सोशली बहुत टाइम दे और उनसे बात करें, इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा आपकी ब्रेन को उससे रिलीफ मिल जाता है, आप थोड़ा सा हटके कुछ सोच पाते हो। तो इसलिए नेगेटिव पीपल से थोड़ा कटके रहिए और बट अपनी सोशल लाइफ को हमेशा डेवलप बनाए रखिए, आप आइसोलेटेड खुद को मत रखिए। बैलेंसिंग इन पर्सनल लाइफ, आप अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना सीखिए, ये बहुत ही मैटर करता है आपकी पर्सनल लाइफ। अगर आप अनमैरिड है तो आपकी लाइफ में अगर समवन स्पेशल है, लाइक इफ यू हैव एनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड और वाइफ और आपके जो अगर बच्चे हैं तो उनकी वजह से आपकी स्टडी कितनी इफेक्टेड हो रही है, इसको आपको समझना चाहिए और आप उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली कई स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही डीप मतलब इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और उनको ये रहता है कि नहीं हम अपनी मन चाहे पर्सन से जिससे हम शादी करना चाहते हैं उनसे शादी कर लेंगे आफ्टर मतलब आप जब यूपीएससी क्वालिफाई कर लोगे। ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है जो अनमैरिड है, और अगर बीच में ऐसा क्या होता है उनके पार्टनर की कहीं और मैरिज हो जाती है तो वो बहुत डिप्रेसिव एक फेज में चले जाते हैं, एक बहुत एंग्जाइटी, पहले तो वो फियर उनमें पहले से ही डेवलप होता है कि अगर नहीं हुआ मेरा यूपीएससी क्लियर तो मेरी जो पार्टनर है या मेरा जो पार्टनर है वो मुझे नहीं मिलेगा, मेरी शादी नहीं हो सकती उससे, मैं उसको लाइफ टाइम अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो वो फियर धीरे से एंग्जाइटी की सिचुएशन में चला जाता है और वही एंग्जाइटी आपको डिप्रेसिव सिचुएशन में जाता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ का कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना आना चाहिए, कि आप कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। एंड सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, आपको अपने पे सेल्फ कंट्रोल का सेंस होना चाहिए कि आपको किस टाइम किससे किस वे में बात करनी, किस वे में रिएक्ट करना, आपको कब अग्रेसिव होना है, कब नॉर्मल होना है, ये जो सेल्फ कंट्रोल है। आपको पढ़ना है अगर 8 घंटे तो आपको 8 घंटे ही पढ़ना है, ठीक है, और ये नहीं कि लगातार पढ़ना है। डोंट थिंक कि मैंने ऐसा बोल दिया कि सेल्फ कंट्रोल के 8 घंटे आपको चेयर पे बैठे, मतलब आपको 8 hours अगर बोल दे डे में आपको 8 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए देनी है तो वो किसी भी तरीके से आपको 8 घंटे वो देना है। तो इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि आपको अपने फोन से, टीवी से और
जो भी आपको फैक्टर हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनसे आपको बच के रहने की जरूरत है. ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट है डिप्रेशन. डिप्रेशन इट फीड इटसेल्फ एंड इट क्रिएट इटसेल्फ टू. आपने इस चीज को खुद डेवलप किया है. डिप्रेशन जैसी चीजें कुछ नहीं होती, आपने इस चीज को खुद डेवलप किया है. और मेनली जो डिप्रेशन का मतलब होता है कि एक इंटेंस सैडनेस. सैडनेस अलग होती है, डिप्रेशन की एक अलग होता है. ऐसा नहीं कि डिप्रेशन और सैडनेस को आप इंक्लूडेड कर दोगे एक ही में, कि आप कुछ टाइम तक सैड हो किसी भी एक इवेंट की वजह से, एक निगेटिव टाइम पीरियड की वजह से, या कुछ ऐसा सडन आपके घर में होता है, सडन लॉस समथिंग इन अ सिंगल, तो उसकी वजह से आप सैड हो, तो उसको आप डिप्रेशन का नाम नहीं दे सकते. तो इंटेंस सैडनेस इंक्लूडिंग फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस. आपके अंदर जब ये तीनों फीलिंग एक साथ आती और यही फीलिंग लास्ट कई दिन से कई हफ्ते से आपके साथ ही और आपकी जो पर्सनल डे टू डे लाइफ है वो उसको बहुत इंटरप्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन. डिप्रेशन की ये तीन की सिम्टम्स हैं, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस. इट मे बी समथिंग मोर देन सैडनेस. ओके द नेक्स्ट है इसमें कि डिप्रेशन में क्या होता है कि आपके तीन जो फैक्टर्स हैं, आपका कॉग्निशन, फोनेशन एंड अफेक्ट. कॉग्निशन का मतलब आपके थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आती है, फोनेशन मीन्स आपके एक्शंस में प्रॉब्लम्स आती है, एंड अफेक्ट मीन्स आपकी फीलिंग्स में प्रॉब्लम्स आती है. डिप्रेशन की सिचुएशन में हम तभी जाते हैं जब पर्सन एक्सपीरियंस करता है कि उसके जो थॉट है, एक्शन है और फीलिंग है उनमें कोई रिलेशन नहीं है, वो प्रॉपर एक वे में काम नहीं. आप सोच कुछ और रहे हो, आप कर कुछ और रहे हो, आप महसूस कुछ और कर रहे हो. जब इन तीनों का आपस का रिलेशन खत्म हो जाता है तो हम उसको एक डिप्रेसिव की सिचुएशन में कह सकते हैं कि वो पर्सन पर्टिकुलर एक डिप्रेसिव सिचुएशन में. नेक्स्ट है प्लीज. हाँ जी, प्रोसेस ऑफ डिप्रेशन. प्रोसेस ऑफ डिप्रेशन में जैसा कि मैंने फर्स्ट में थॉट को रखा, सेकंड में फीलिंग को, थर्ड में एक्शन को. जब भी आप डिप्रेशन के सिचुएशन में जाते हो तो सबसे पहले जहाँ प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम आती है आपकी थॉट प्रोसेस, यानी आपकी थिंकिंग इंटरप्ट होती है. आप लेस थॉटफुल हो जाते हो, आप लेस थिंकिंग हो जाते हो, आप सोचना कम कर देते हो और रैशनल थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं रह जाती है. ठीक, तो मेनली फर्स्ट प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपकी थिंकिंग या थॉट में. सेकेंड आती है प्रॉब्लम आपकी फीलिंग में. आप जो सोच रहे हो आप वो पर्टिकुलर महसूस नहीं कर रहे होते हो, या आप उसके ऑपोजिट महसूस कर रहे होते हो. तो थॉट से जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो फीलिंग में चली जाती है और फीलिंग से एक्शन में. फीलिंग से एक्शन का मतलब आप जो चीजें सोच रहे थे, निगेटिव जो भी थॉट्स आने लगे थे और निगेटिव आप जो फील करने लगे, तो अब आप निगेटिव बिहेवियर भी करने लगते हो. ओके यानी कि आपकी जो थिंकिंग है आपकी फीलिंग से होते हुए अब आपके एक्शन पे आ गई है और आप उस चीज को अपने बिहेवियर में अडॉप्ट कर लियो. जब हम किसी की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, अगर कोई डिप्रेसिव पर्सन होता है, तो हम इसी जो मैंने फ्लो चार्ट आपको बनाया है कि थॉट, फीलिंग एंड एक्शन, हम इसके जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं. यानी हम पर्सन की पहले एक्शन में मैनिपुलेशन करते हैं, एक्शन में हम चेंजेस करते हैं, उसके बाद हम उनकी फीलिंग्स में चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, देन थॉट. हम डायरेक्टली थॉट से नहीं चेंजेस कर सकते. लाइक अभी मैंने कहा कि आप 8 hours स्लीप लो, आप नाइट टाइम स्लीप करो ज्यादा बेटर होगा, आप रात को सो, आप दिन को सोना अवॉइड करके आप दिन में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो. तो ये एक मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, ये आपके थॉट में चेंजेस नहीं लाएंगे. लेकिन अगर आप इस चीज को अपने एक्शन में लाते हो, जो भी हमारे पास केसेस होते हैं डिप्रेशन के, तो हम उनमें सबसे पहले एक्शन में चेंजेस लाते हैं कि हम उनको उस काम को कैसे करना है. यानी हम दिन में उनको इतना काम दे देते हैं कि वो रात को ही थके सोएंगे, उनको रात को फिर पढ़ने का मन नहीं होगा. ओके तो उसके बाद हम उनकी फीलिंग पे चेंज करते हैं और देन हम उनके थॉट्स में जाते हैं कि थॉट एरिया को हम कैसे चेंज कर सकते हैं और उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं. इसको हम CBT भी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. इसको डिप्रेशन में जो कि बहुत यूजफुल होती है, हम डायरेक्ट उसके इरेशनल थॉट्स को रैशनल थॉट में चेंज करते हैं और वो ये प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं. ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन. फर्स्ट है अवॉइड द स्ट्रेस.
आप अपने लाइफ के जो स्ट्रेस हैं उनको अवॉइड करिए, बट ऐसा नहीं कि आप एकदम से नेग्लेक्ट कर दीजिए। आपको लाइफ के जो भी स्ट्रेस है आपको उनसे फाइट भी करना होगा। स्ट्रेस के लिए एक डेफिनेशन यूज करते हैं, फ्लाइट और फाइट, या तो आप लड़ो या भाग जाओ। तो हमेशा अपने स्ट्रेस को ये नहीं कि हमेशा भाग जाओ वाले सिचुएशन में होना चाहिए, फाइट की वह सिचुएशन में होना चाहिए कि आप उससे लड़िए। डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन मैटर करती कितनी है आपके लिए। ऐसा नहीं कि हम हर सिचुएशन को स्ट्रेसफुल सिचुएशन मान लें जो कि आपकी लाइफ से या फिर आपसे रिलेटेड भी ना हो। ओके, सेकंड है एक्सरसाइज। मैंने पहले ही बताया कि ये जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं हमारी जो डेली और रेगुलर लाइफ टाइमिंग और जो भी हमारा डेली रूटीन है उसकी वजह से बहुत इंटरप्ट होती है। हमें जो मेनली साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप होते हैं अगर आप प्रॉपर सोते नहीं हो, आप प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो करते हो और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हो। आपकी बॉडी को एक्सरसाइज चाहिए होता है, यानी कि आप 8 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो और आपने अपनी बॉडी को एक्सरसाइज, आप कोई भी गेम आउटडोर गेम खेल लो या आप सुबह अर्ली मॉर्निंग रनिंग मेडिटेशन जैसी चीजें करके भी अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स फील करा सकते हो। नेक्स्ट इसमें ओवर अल्कोहल एंड ड्रग्स, ये बहुत फैक्टर मैटर करता है कि आपको अल्कोहल और ड्रग्स जैसी चीजों से दूर रहना है। थोड़ा ज्ञानी टाइप की बातें हो रही हैं कि ये तो हमने पढ़ा है हमें पता है, बट मैडम पता नहीं क्यों लिख दिया है, हमें पता है नहीं अल्कोहल पीते हम पिएंगे, हमें ड्रग्स नहीं लेना हम लेंगे। अब कई लोग तो नींद ना आए इसके लिए स्लिप पिल्स लेते हैं कि हमको नींद ना आए और हम पढ़ाई करेंगे। कैफीन लेते हैं बहुत एक्सेसिव वे में कि लेंगे तो हम रात भर जग के हम पढ़ाई कर सकते हैं, बट अवॉइड करिए आप इन सब चीजों से क्योंकि ये आपकी थॉट प्रोसेस को बहुत इंटरप्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है ट्राई टॉकिंग थेरेपी। टॉकिंग थेरेपी का मतलब ये हुआ आप जो भी फील कर रहे हो, आप जो भी निगेटिव फील कर रहे हो पॉजिटिव फील कर रहे हो, हमारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है जो नॉन जजमेंटल होता है, जो हमें जज नहीं कर रहा होता है। अगर ऐसे लोग नहीं होते तो आपको काउंसलर से कंसल्ट करना चाहिए। आप उनके पास जाइए, आप उनसे सेशन लीजिए और आप उनसे अपनी बातें करिए, क्योंकि अभी जो बेसिकली प्रॉब्लम्स आ रही है किसी के पास किसी को सुनने का टाइम नहीं होता। तो इस वजह से बेसिक इश्यूज आपकी लाइफ में आते हैं कि हम अपनी बातें, हम जो महसूस कर रहे हैं हम वो कह नहीं पाते। नॉट इवन विद योर पार्टनर, अपने चाइल्ड से भी आप नहीं कह सकते, अपने फ्रेंड से भी नहीं कह पाते कि यार मैं ये तो बहुत नेगेटिव फीलिंग है मैं कैसे कहूँ। ये मोस्टली एक फैंटेसी लाइफ में भी कभी कभी बहुत मैटर करता है कि आपकी जो फैंटेसी लाइफ है आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो आपको बेसिकली टॉकिंग थेरेपी पे काम करना चाहिए और ये बहुत यूजफुल होता है। आप हमेशा ट्राई करिए। हम बेसिकली काउंसलर जो होते हैं हम फर्स्ट सेशन में किसी भी केसेस पे काम करते हैं, तो हम उन पर टॉकिंग थेरेपी पे, यानी कि आप अपने जो भी फीलिंग्स हैं जो भी इश्यूज हैं आप अपने वे में एक्सप्रेस करो, तो ये काफी कारगर रही है और आप फॉलो करिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो नॉन जजमेंटल वे में, जो आपको जज ना करता, किसी पर्सपेक्टिव पे रखे कि नहीं भाई तू गलत कर रहा है या फिर नहीं यार तुम गलत कर रही हो, ये तो बहुत गलत सोच है आपकी, तो उस चीज को शेयर करिए कि नहीं मैं ये फील करती हूँ और तो मुझे गाइड करिए कि मैं कैसे इसको कंट्रोल या फिर कैसे इस चीज से बाहर निकल सकता हूँ या सकती हूँ। नेक्स्ट है एक्सप्रेस एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। इसमें हम नहीं करते हैं, हम हमेशा अपनी गुड इमेज के चक्कर में हमेशा हम अपने आप को जैसे हैं वैसे सोसाइटी के सामने, फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अब आप एडोलेसेंट एज में हो, अडल्ट एज में हो, तो आप कर रहे होगे अपने फ्रेंड्स के सामने, बट स्टिल आप अपनी फैमिली के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने एक्सेप्ट नहीं करते। व्हाट यू फील, व्हाट यू वांट, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या महसूस कर रहे हो, स्टॉप ओवर थिंकिंग। आपको ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। और इसमें ये है कि एक प्रॉब्लम और आती है डिप्रेशन में, जो भी डिप्रेशन या एंग्जायटी में होते हैं उनमें सेक्सुअल इश्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसको भी ओवरकम करने की बहुत जरूरत होती है, इससे आप डिप्रेशन जैसी चीजों से बच सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पीयूष जी आपने, हाँ थैंक यू। इसमें मैंने सिर्फ एक कोटेशन सा रखा है कि एंग्जाइटी डज नॉट कम फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर बट फ्रॉम वांटिंग टू कंट्रोल इट। हमने बहुत पढ़ा है, आपने भी बहुत पढ़ा होगा हर जगह, मैंने सिर्फ इसमें मेंशन कर दिया ताकि थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ये नेसेसरी नहीं था बट मैंने कर दिया था कि हमारी जो थिंकिंग होती है वो हमेशा हम अपने फ्यूचर को लेकर जो
बहुत ओवर कंसर्न होते हैं उसकी वजह से आती है, ना कि जो हम चाहते हैं. हम क्या करते हैं कि हम अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं. आवर एंग्जाइटी डज नॉट कम फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. आप फ्यूचर को लेके जो सोच रहे हो उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी नहीं होता, बट आपकी एंग्जाइटी का जो मेन रीजन होता है कि आप उसे कंट्रोल करना चाहते हो. नेक्स्ट इसमें है कि डू नॉट गिव योर पास्ट द पावर टू डिफाइन योर फ्यूचर. अपने पास्ट को कभी भी वो पावर मत दीजिए कि वो आपका फ्यूचर डिफाइन करे, आपका फ्यूचर डिसाइड करे. एग्जाम्स के लिए बेसिकली ये बहुत मैटर करता है कि अगर आपके पास्ट में आपका जो पिछला एग्जाम था उसका रिजल्ट था, आप उससे अपने फ्यूचर वाले एग्जाम और रिजल्ट से कोरिलेट बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आपने जो पिछला पढ़ा था उसके बाद आपने बहुत सी नॉलेज एड ऑन किया, बहुत सी एक्सपीरियंसेस एड ऑन किए हैं आपने, तो वो चीजें आपको एक नया रिजल्ट, एक नई चीजें आपको आगे देंगी. एंड द थर्ड लास्ट, योर हार्ट ब्रोक इन पीसेस इट विल हील इन पीस टू. ये मैंने पर्सनल जो आपकी लाइफ बैलेंस करने के लिए दिया. अगर लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि आप बहुत हार्ट ब्रोकन फील करते हो आपके, तो उस टाइम आप टेंशन ना लो. अगर वो टुकड़ों में टूटा है तो टुकड़ों में जुड़ भी जाएगा. ओके, बस मेरा इतना ही था पीपीटी. थैंक यू सो मच. मैं अब चाहूंगी कि थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन हो जाए, ताकि अगर किसी को कोई इश्यूज हो तो वो मुझसे जरूर शेयर करें. तो आप जो कन्वर्सेशन रहेगा वो मेजरली टू वे कन्वर्सेशन रहेगा, डाउट्स सेशन रहेगा, जैसा हम लोग हर सेशन में करते हैं. तो जो भी जिसके भी डाउट्स हैं वो प्लीज पूछ ले. मैम एक डाउट आया हुआ है यहाँ पे कि प्लीज गाइड हाउ टू कम आउट ऑफ द प्रोकास्टिनेशन लाइक डिलेइंग ऑफ स्टडीज एंड लेटर गेटिंग एंजाइटेड. मैम प्लीज आंसर. जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है प्लीज वो अनम्यूट करें और अपने क्वेश्चन को फिर से मुझे एक्सप्लेन करें इन योर वर्ड. अरुण जी आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए. Anxiety, like I feel like I should have studied that before 2 days. Now I am unable to study and it is getting overloaded. That thing is coming to my mind and I am unable to come out of it. So please help with that, madam. Aapki study kyun delay hoti hai, Arun ji? Madam, I am working. Actually, I am working. When I come late from... Okay. Yes, aap apne study ko kitna time de paate ho? 6 hours every day, madam. Minimum 6 hours. And if I get free time, I'm extending it to more than 4. I am the 4 hours man. अच्छा आपने 4 hours हम ले लेते हैं. आप मुझे ये बताइए कि आप जो भी 4 hours अपनी study को देते हैं, वो genuinely आप अपने 4 hours उसमें ही study के लिए देते हैं या उस बीच में आप interrupt होते हो, आप मतलब distract भी होते हो? No madam, like for half an hour, 30 minutes में study करता हूँ madam. बाद में और for 2 to 5 minutes I'll break up. Like I will wake up at 4:30 morning. And I'll study till 12 in night, madam. From 8 to 12 and morning 4 to 6 or 6:30, like that I will study, madam. आप जितने time भी continuous study करते हो, तो उतने time आप continuous study कर पाते हो या फिर बीच-बीच में distract होते हो? No, madam. Like I will have target of completing art and culture today, like 3 chapters. I will have a target that. But due to unfortunate circumstances, I may not be able to complete that. Later on. After 2 days, when I go again, that 3 chapters mm-hmm. will be there. Along with that, I will mm-hmm. have another daily, other day target. Like I will have 8 chapters at that day. That time I feel like why didn't I study that day? I could have studied and all. And I feel like I can't come out of it. So I'm requesting you to help me. Yeah, sure. आप किसी भी papers को पढ़ते होगे, आप कई books से पढ़ते होगे. आप एक पेपर कोई भी ले लो, जैसे मैं साइकोलॉजी से, तो मैं साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ. आपने साइकोलॉजी का सिलेबस है, उसको आप 4 बुक से पढ़ रहे हो, एक पॉइंट को आपने 4 बार पढ़ा, उसको अवॉइड करके आप एक पॉइंट को एक बार में जो पढ़ रहे हो, आप उसको बहुत अच्छे वे में पढ़ो, आप अच्छे वे में समझो, यानी आप डीप एनालिसिस करो उस टॉपिक के लिए, न कि आप 4 जगह बुक्स में सर्च करो. यानी ओवर आप जो भी अपना टाइम, क्योंकि आप वर्किंग हो, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता,
ओके तो आप जो भी मैटर पे पढ़ाई कर रहे हो, आप एक बुक से पढ़ो या एक नोट से पढ़ो, बट वो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी इनकोडिंग होनी चाहिए मेमोरी में. अगर ऐसा है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप इनहेंस होगा, डिक्रीज नहीं होगा. डजंट मैटर कि आपने सेवन पेपर्स में से आपने फाइव पेपर्स ही बहुत अच्छे से पढ़ा है या सेवन पेपर्स आपने पूरा पढ़ लिया लेकिन आपको आता एक में भी नहीं है. ओके तो आपका ये फोकस होना चाहिए कि मैंने अगर पांच पेपर तैयार किया तो मुझे पता है कि पांच में मेरा बहुत अच्छे मार्क्स आने, ये आप कॉन्फिडेंस लेके चलिए. तो इससे आपको जो एंग्जाइटी की सिचुएशन है आप उससे बच सकेंगे. क्योंकि मैंने आपको बताया था ओवरकम ऑफ फियर एंग्जाइटी में कि आप अपनी जो फियर है, ये आपका फियर है कि डिलेइंग हो गया तो आप वो अच्छा सही से मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो आप लर्न मोर अबाउट योर फियर. आपको अपने फियर के बारे में बहुत अच्छे से जानना है और उस चीज से कैसे निकलना है. यानी कि आप डिफरेंट ऑफ थिंकिंग करो कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो कितना इफेक्टिव है, कितना अनइफेक्टिव है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. आपका जो इमेजिनेशन वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ना कि निगेटिव वे में होना चाहिए. और आप निगेटिव वे में खुद को लेके ही सोच रहे, अगर आपने स्टार्टिंग नेगेटिव वे में की है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि फियर वाले फॉर्मूला में, कि फियर के फॉर्मूला में मैंने एक स्नोबॉल ऑफ थॉट की बात की थी. ओके अरुण जी, तो स्नोबॉल ऑफ थॉट का मतलब ये है कि आपने अगर अपने लिए या अपने स्टडी के लिए इसमें एक बार भी निगेटिव थिंकिंग आपने स्टार्ट किया तो वो निगेटिव थिंकिंग, एक थिंकिंग आपको तीन न्यू नई निगेटिव थिंकिंग को डेवलप करती है, वो तीन नई निगेटिव थिंकिंग अगले छह और नई निगेटिव थिंकिंग को डेवलप करती है. तो अवॉइड ना एक भी सिंगल निगेटिव थिंकिंग को आप मत आने दो. बी कॉन्फिडेंट व्हाट एवर यू रीड या व्हाट एवर यू स्टडी. ओके आई होप आपको ओके थैंक यू अरुण. नेक्स्ट एनीवन. थैंक यू सर. थैंक यू सर. अगला डाउट जिसका भी हो वो प्लीज ले ले, वो अपने आप को अनम्यूट करे और डाउट पूछ ले मैम से, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो डिप्रेस्ड फील ना करता हो इस प्रिपरेशन में. ऐसा कोई नहीं है जो मतलब खुद को जो है ये ना समझता हो कि मेरा एग्जाम प्रिपरेशन पूरी नहीं हो रही है और डिप्रेशन के दौर से ना गुजरता हो, खासकर वो लोग जो दो दो तीन तीन बार मेंस. एक सकीना मैम का मैसेज आया है, सकीना जी का मैसेज आया है कि इफ फैमिली डिस्कसिंग ड्यूरिंग द स्टडी, तो मैं चाहूंगी कि आप अनम्यूट करें और आप उनसे इस चीज के बारे में डिटेल से बात करें. साकिना जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ, इन्होंने ये भी मैसेज किया है कि उनके यहाँ नेटवर्क इशू है इसलिए बात नहीं कर सकती. सकीना जी, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगी, आप उस पर मुझे डिस्कस करते हैं. मेरे मेल आई डी है, मैं पीयूष जी को हैंड ओवर कर दूंगी, पीयूष जी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आपको शेयर कर देंगे. आप मुझे मेल पे अपने इश्यूज आप मेल कर दीजिए, आप जो भी है आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए, हम उस पर डिटेल्स में बात कर सकते हैं. अगर अभी आपको नेटवर्क इश्यूज है तो कोई इशू नहीं है, बी कम्फर्टेबल. और किसी के कोई इश्यूज है, जिसके भी इश्यूज है वो प्लीज पूछ लीजिए चैट बॉक्स में, फिर सेशन को एंड करेंगे. देखिए ऐसा कोई नहीं है जिसके इश्यूज ना हो, जिसके मतलब ये प्रिपरेशन ही ऐसी है जिसमें इश्यूज तो रहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, सबको है, सभी को है, बस यहाँ पे कि एक्सेप्टेंस नहीं है. इसलिए मैंने कहा था कि आप जैसे हो आप उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, एक्सेप्ट करो एज यू आर, वट एवर यू फील, वट एवर यू वॉन्ट. आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो उस चीज से आप कभी नहीं निकल पाओगे. हमेशा ये जजिंग का, जैसे कि मैंने बताया था कि हमें लगता है कि हमें और लोग जज करेंगे या कितना फालतू क्वेश्चन पूछा है इसमें, स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट. हम तो नहीं सोच रहे आपके बारे में कि आप क्या सोच, क्या आपने भाई ऐसा क्वेश्चन पूछे, आपने क्या फालतू क्वेश्चन पूछे, ऐसा कुछ नहीं है. व्हाट एवर यू फील आप एक्सप्रेस करो, आप बोलो कि आप क्या. हाँ जी, कोई है जो अपने आप को अनम्यूट कर रहा है. इसमें सबकी ओर से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ जो आई थिंक यूपीएससी की प्रिपरेशन में कॉमन रहे हैं. जैसे कि पहला कि हम टारगेट ऐसे अनअचीवेबल रख लेते हैं कभी कभी, कि वो जो है फ्यूचर में मतलब हमारे लिए एक बर्डन सा बन जाते हैं. और कई बार चीजें ये भी हो जाती हैं कि जो है फॉर एग्जाम्पल हमने आज रखा कि मैं एम लक्ष्मीकांत खत्म कर लूंगा, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस आई वॉज अनएबल टू फिनिश इट. तो फिर दोबारा से एक प्रेशर बनता है, जैसा अरुण कुमार जी का क्वेश्चन था उसी से मिलते जुलते ये क्वेश्चंस हैं. और कुछ क्वेश्चंस आए चैट बॉक्स में भी आए हुए हैं. और जी मैम, मैम बट आपका तो आप मुझे ये बताइए कि
आपका जो सेशन था वो मैम इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था कि चीजें जो है उसमें बहुत सी क्लियर हो गई मेरी खुद की। जी मैम। अच्छा, थैंक यू सो मच प्यूसी की फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। बट अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने पर्टिकुलर किसी भी बुक को लेके तो डिसाइड किया कि मुझे पर्टिकुलर 1 डे में 2 डे में 4 डेज में उसको कंप्लीट करना है, तो उसके पीछे कौन से रीजन काम कर रहे होते हैं कि वो आपको नहीं करने दे रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ काम आ गए, कुछ फैमिली रीजंस हैं और समथिंग सोशल डिस्ट्रैक्शंस आर आल्सो देयर एज वेल, और ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस की सोशल डिस्ट्रैक्शन बड़ा क्लियर कर दीजिए। मेरे साथ तो सोशल डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं और सोशल डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं है ना आपके साथ कि आपके फेसबुक पे कंटीन्यूअस मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टा पे आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं एंड यू आर? नहीं मैम, उसका टाइम एक फिक्स है कि इतने समय में दूंगा, तो वो तो फिलहाल के लिए एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जी मैम। अच्छा, ऐसा डिस्ट्रैक्शंस नहीं है आपको, सोशल डिस्ट्रैक्शन है। तो सोशल आप मतलब आप बहुत ज्यादा सोशल लाइफ से जुड़े हो और आप नहीं चाहते हो उतना सोशली होना। जी मैम, मैंने अपने आप को बहुत सा कट शॉर्ट भी कर लिया है काफी चीजों से। नाउ आई एम मींस मैं कह सकता हूँ कि सोशली इंटैक्टेड हूँ मैं अब, बट फिर भी चीजें उतनी वो नहीं है। ओके, अब बेसिकली आपको क्या करना चाहिए प्यूजी कि आपको खुद डिसाइड करना चाहिए, अगर सोशल लाइफ आपको बहुत इंटरप्ट करती है तो, कि आपकी लाइफ में जो नंबर्स ऑफ पीपल्स हैं, लाइक 100 अगर पीपल्स हैं जो कि आपको इंटरप्ट कर रहे हैं आपकी स्टडी में, तो आप उनकी लिस्टिंग बनाओ, लिटरली आप लिस्टिंग बनाओ। आपको थोड़ा सा फनी लगेगा यार प्यूज मैं क्या कर रहा हूँ, ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इतने मैंने एक पेपर पढ़ लिया होता है, यही सोच के हम उस चीज से निकल नहीं पाते, उस काम को भी नहीं कर पाते हैं और ना ही हम पढ़ भी पाते हैं। तो बात कर रहे थे जो आपने पूछा था कि सोशल जो आपकी लाइफ है वो बहुत ही इंटरप्ट करती है आपकी स्टडी को, आपकी प्रिपरेशन को। तो बेसिकली आप अपनी लिस्टिंग करिए कि कौन कौन से पर्टिकुलर पर्सन है जो आपकी सोशल लाइफ में इंक्लूडेड है और वो आपकी स्टडी को इंटरप्ट करते हैं, आप उनमें से डिसाइड करें पर्टिकुलर कौन से पर्सन है कि आपकी जेन्युइन है। अगर आपको लगता है कि नहीं दैट पर्सन इज मतलब नॉट जेन्युइन और बहुत ही मतलब आपको बहुत यूजफुल आपके लिए या उनके लिए आप नहीं हो, ऐसा नहीं है कि हम सब मतलब के लिए किसी से दोस्ती करें या मतलब के लोगों से इंटरेक्ट हो, ये भी मेरा पॉइंट नहीं। मेरा मोटो ये है आपको कहने का कि हम जिनसे भी बात कर रहे हैं, जिनसे भी हम मिल रहे हैं, मेरा मोटो और उनका मोटो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनके लिए वेस्टिंग है और वो हमारे लिए, ये टू वे होना चाहिए। अगर दोनों साइड से सेम ऑफ फीलिंग है, इसीलिए मैंने कहा था एक्सेप्ट करिए ना, आप एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट भी करिए कि आप क्या हो, आप किसके लिए क्या फील करते हो और सामने वाला भी सेम चीज आपके लिए फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो कि आपकी लाइफ में कोई महिला मित्र है और वो उनको आप बहुत पसंद करते हो, तो बिल्कुल आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, तो वो टू वे नहीं हुआ ना, वो वन वे हुआ। कम्युनिकेशन आई डोंट थिंक कि वो बहुत ही ऐसा है भी, तो इट्स नॉट अ बिग डील। और अगर ऐसा कोई पार्टनर है किसी की भी लाइफ में जो भी हमारे हैं लाइक मैरिड है अनमैरिड है, तो वो अगर आपके फील्ड से हैं तो आपके लिए वाह की मतलब आप तो अब उनसे अपनी जो भी अपनी पढ़ाई की है या उन्होंने जो पढ़ाई की आप उनसे डिस्कस करोगे शेयर करोगे। लेकिन अगर नहीं है, ऐसा है कि अगर वो यूपीएससी स्टूडेंट्स में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो आपको आपके जो थॉट है जो थिंकिंग ओवरलोडेड हो जाता है पढ़ने के बाद, आप बहुत ही लोडेड जो फील करते हो, तो उससे आपको निकालने में मदद करेंगे या करेंगी जो भी आपके पार्टनर। अगर वो आप यूपी आपकी तरफ यूपीएससी स्टूडेंट नहीं है, तो आपकी तरफ दोनों साइड से आपके मतलब दोनों हाथ में लड्डू ही है कि अगर आपकी जो फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर आपके जो अगर मैरिड हो तो हस्बैंड वाइफ है, तो अगर वो यूपीएससी स्टूडेंट है तो वो आपको नई नई चीजें जानने को मिलेगी, उनसे शेयर करने को मिलेगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब तक आप उस चीज को शेयर नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, वो और इनहेंस नहीं होगा इन्फॉर्मेशन। और अगर आपके जो पार्टनर है वो नहीं है यूपीएससी स्टूडेंट, तो वो आपको थिंकिंग में आपके जो थॉट प्रोसेस ओवरलोडेड होता है उसमें आपकी हेल्प करेंगे, उसी से निकल लेंगे। ओके पीयूष जी। जी मैम, तो और किसी के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज शिव सागर जी, आप हमेशा डाउट्स पूछते हैं और जो भी लोग हैं वो अपने डाउट्स प्लीज ले लीजिए। शिवांग ने पूछा, शिव सागर जी ने ऐसा क्यों?
वो रेलवे में लोको पायलट भी हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि वो सेशन जॉब के साथ साथ ले रहे हैं, तो ही इज वेरी हार्ड वर्किंग गाय। वाओ सर, मेरा एक है सर, ये पब्लिक एंजाइटी को दूर कैसे करें? जैसे हम कुछ चीज मेरे दिमाग में रहता है या मैं उस चीज के बारे में जान भी रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट पर्सन के पास मैं वो चीज बता नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ वो चीज। एक आप अपनी मेरे से बता नहीं पा रहे हैं। जी मैम, प्रॉब्लम क्या है? मैं ये सेशन के पहले से ही सोच रहा था। आपने मैम ये क्वेश्चन जो था वो मैं सेशन से पहले ही सोच के रखा था कि मैं ये पूछूंगा, बट वो पब्लिक एंजाइटी ही बोलिए उसके चलते मैं कि अपना बात अगला के पास रख ही नहीं पाता हूँ, तो उससे कैसे दूर करें पब्लिक? कोई बात नहीं, अगर आपको पब्लिक एंजाइटी की वजह से आप अपनी अभी अब जो आप प्रॉब्लम्स हैं, आप बेसिकली आपको पब्लिक एंजाइटी से इशू है कि आपको अपनी पूरी प्रॉब्लम बताने में मुझे इशू आ रहा है। अगर ऐसा है कि आप अपनी प्रॉब्लम को ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे इन फ्रंट ऑफ अस या इन फ्रंट ऑफ मी, तो आप बेसिकली आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम और हम उससे डीप डिस्कशन कर सकते हैं। अगर अभी आप पब्लिकली अपनी बात को रखने में असहज महसूस कर रहे हो तो ऐसा है कि आपकी मेल क्या मैम? हेलो, हाँ जी जी मैम। मैं आपने कहा कि मैं अपनी बातें पब्लिकली रखने में प्रॉब्लम आती है मुझे, तो ये एक मेन इशू है कि इसके अलावा आप अपने इस इशू को ही डिफाइन कर रहे हैं। मेन इशू मेरा यही है मैम, क्लियर नहीं हो रहा है कि आप ऐसा बता सकते हैं। मेन इशू ही आपका ये, अच्छा आप अपने सोशल बातें नहीं रख पाते, क्या आपकी वो स्टडी को इंटरप्ट करने वाली है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी ऑफिशियल लाइफ, उसमें मेनली होता है, होता कहाँ है, किस सिचुएशन में होता है ऐसा? मैम कोई भी बात को लेके मैम, ये पढ़ाई का हो या प्रोफेशन में हो, किसी भी बात को लेके मैं, जैसे मैं लोको पायलट हूँ तो मेरा सीनियर मास्टर के साथ जिसका जिस दिन मेरा ड्यूटी पड़ा तो मैं अपना कुछ बात उनके पास रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं रख नहीं पाता हूँ, और बाद में ऐसा कुछ घटना हो जाता है जिससे हमको, जैसे बाद में ऐसा कुछ कुछ समय ड्यूटी करते करते उनके साथ मेरा ऐसा कुछ घटना हो जाता है कि मैं फिर बाद में सोचता हूँ कि जो चीज मैं उनसे बोलना चाहता था अगर ये चीज मैं उनसे बोलता तो अच्छा रहता ऐसा। अच्छा। लेकिन ऐसा, वो तो मैं अपना बात ही। जी मैम, ऐसा ये नहीं है कि आपके साथ ही होता, ये मोस्ट ऑफ द पर्संस के साथ होता है कि वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, ठीक है। ये एक सोशल एंग्जाइटी सब में डेवलप होती है मोस्ट ऑफ, यानी हमारी अगर इंडियन कल्चर में बोले तो अराउंड 50% ऑफ पॉपुलेशन में ये डेवलप ही है ऑलरेडी, क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है ऐसी सोसाइटी में कि हम वहाँ पे सोशल एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को रखना, वो चीज़ें बहुत ही हमें सीखी ही नहीं है। बट अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल करते हैं उन सिचुएशन को। तो बेसिकली आपको इशू आ रहा है उसके पीछे रीजन क्या वर्क करता है कि आपको हमेशा लगता है कि मैं जो भी बोलने आऊंगा वो पता नहीं किस हद तक सही होगा, किस हद तक मैं अपनी बात को सही रख रहा हूँ, या वो मुझे किस वे में उस बात को लेंगे, वो मुझे जज तो नहीं करेंगे। तो हमेशा वो जजिंग वाला जो पॉइंट हमारे माइंड में बना रहता है, इस वजह से हम सोशली खुद को स्ट्रेस नहीं कर पाते। तो हमेशा जो कि मैं बार बार कह रही हूँ कि आप अपने आप को स्ट्रेस करना सीखो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, जो भी आप फील करते हो, जो भी आप महसूस कर रहे हो, जो भी आप चाहते हो बोलना करना, आप उस चीज को एक्सेप्ट करो और एक्सप्रेस करो। हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ मैं ऐसा बोलता हूँ, हम हमेशा गुड इमेज के चक्कर में कि नहीं मुझे गुड इमेज चाहिए, एज अ स्टूडेंट मुझे गुड इमेज चाहिए, एज अ ऑफिसर मुझे गुड इमेज चाहिए, एज अ फादर, एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली पार्ट ऑफ द फैमिली, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, व्हाटएवर। आप हमेशा हमेशा सोचते हो कि हमेशा मुझे गुड इमेज चाहिए, क्यों भाई गुड इमेज चाहिए, बैड इमेज में क्या प्रॉब्लम है? कोई इशू नहीं है, आप एक्सेप्ट तो करो कि आप कैसे हो,
और अगर आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे अपने आप को, आपको हमेशा लाइफ में स्ट्रगल पाएंगे और आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते। पहले एक्सेप्ट करिए फिर एक्सेस करिए उस चीज को। ओके जी मैम, थैंक यू मैम, ये जरूरी है। ओके थैंक यू सो मच। जी मैम, जी मैम, थैंक यू, थैंक यू। प्रिया जी का यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ। प्रिया जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मैम से। यस सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम, ये एसएससी और का एग्जाम मैंने पीटी दिया है। हाँ जी बताइए। वो नहीं हो पाया और फिर मेरा बिहार बोर्ड में मैंने 12th भी दिया था तो उसमें भी मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे। अच्छे क्या, बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे। तो मैम उससे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गिर गया है। उसके बाद भी मैंने ये सोचा है, ये उसका प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैम कभी कभी कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाता है कि डिसीजन सही है या नहीं, या फिर घर के प्रेशर की वजह से जो भी हो उसकी वजह से बिल्कुल गिर जाता है मतलब कॉन्फिडेंस लेवल। मैं आपकी बात को बहुत क्लियर नहीं समझ पाया। जैसे कि आपने ये कहा कि आपने 2 एग्जाम दिए थे और उनमें मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए थे, तो इस वजह से आप अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो गया है। ठीक, आप अपने कॉन्फिडेंस को लॉस कर चुके हो, आप नहीं उस लेवल का कॉन्फिडेंस फील कर पाते। आपने ये कहा। यस मैम, ठीक है। हाँ प्रिया जी, पहली बात तो ये आप ओवर थिंकिंग है कम्प्लीटली। ठीक है कि आप जो भी सोच रहे हो कि वो वैसा ही होगा, क्योंकि मैंने अभी कई अपनी पॉइंट्स में आपको बताया कि आपको ये मेनली इश्यूज आते हैं कि हमने जो अभी तक किया है, एग्जाम दिया है, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो आगे मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। क्या करते हो कि आप अपने फ्यूचर को अज्यूम कर लेते हो। मैंने एक आपको बताया था फियर का फॉर्मूला, उसमें वो चीज एक्सप्रेस की थी आपने अगर सुना होगा तो, कि उसमें मैंने एक फ्यूचर कॉस्टोफोबिक थिंकिंग की बात की थी। कि कॉस्टोफोबिक थिंकिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने पास्ट फॉल्स एविडेंस से हम अपने फ्यूचर को डिसाइड कर लेते हैं और एक नेगेटिव थिंकिंग अपने फ्यूचर के लिए रीडेवलप कर लेते हैं। ओके तो हमेशा हमें अपने पास्ट फॉल्स एविडेंस को अपने फ्यूचर से रिलेट नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने पास्ट की वजह से अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और इसी वजह से एंजाइटी की सिचुएशन आप में आ रहे हो और आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। यही इशू। हाँ yes, तो आप बेसिकली क्या करिए कि आप अपने जो भी पास्ट फॉल्स एविडेंस है उनको अवॉइड करिए। कि आपकी लाइफ में बहुत से नेगेटिव केसेस आए होंगे, ऐसा तो नहीं एग्जाम को आऊंगा। अगर पहले आपकी मम्मी ने किसी चीज को लेके आपको डांटा होगा, किसी बिहेवियर को लेके, तो हो सकता है कि आप उस चीज में बहुत अब अच्छा परफॉर्म करने लग रहे हो तो अब वो उस चीज को अप्रिशिएट करती है। बट अगर आपने 2 बार डांट सुनी है तो ऐसा नहीं है कि तीसरी बार भी आप डांट के सुने हो। तीसरी बार हो सकता है आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया होगा उस चीज में। आपने क्लासेस में भी देखा होगा, आपने जो एग्जाम्स आपने अगर ट्यूशन से आप कोचिंग ली होगी उसमें, तो आपकी कोचिंग एग्जाम्स में भी आपके कई बार मार्क्स लो आए होंगे, लेकिन कई बार ऐसा हो कि आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे। ओके तो हमेशा अपने पास के जो फॉल्स एविडेंस है या एक्सपीरियंसेस है उसको एविडेंस की तरह न लेके उसके एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरह लीजिए कि हाँ एक्चुअली में हमने इतना तो कुछ सीखा था। ऐसा नहीं कि ये आपके साथ होता है, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बट हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम इतने छोटे पॉइंट से हार मान गए तो आगे वाली जो हमें इतनी बड़ी सी लड़ाई लड़नी है और आगे लेके चलना है अपनी स्टडी को, तो वो हम कर नहीं पाएंगे। हम अपने पास्ट को अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की परमिशन दे रहे हैं। ओके, योर ब्रेन इज योर, योर माइंड इज योर, उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, न कि आपके पास्ट का कंट्रोल होना चाहिए। ये मैं हर वे में बोलती हूँ कि ना कि सिर्फ स्टडी को लेके, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, बहुत सी पर्सनल लाइफ में बार बार मतलब जोर दे रही हूँ, क्योंकि पर्सनल लाइफ आपकी स्टडी आपकी फ्यूचर को बहुत ज्यादा गवर्न करता है। अगर आपका एक बैड ब्रेकअप है तो आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं हो पाते हो अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को नेगेटिव मान लेते हो और आप आगे अपनी लाइफ में अच्छे से मूव ऑन नहीं कर पाते हो। ओके okay?
तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक बैड ब्रेकअप हुआ तो आगे आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप दो बार अच्छे मार्क्स ये नहीं किए तो आपको तीसरी बार अगर आपने बेस्ट दिया तो आपको बेस्ट मिलेगा। डोंट डिसअपॉइंट एवर। ओके मैम। ओके हाँ जी। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी अभी और किसी के नेक्स्ट क्वेश्चन है? पीयूष जी स्नेहलता कुमारी यू कैन आस्क योर डाउट्स। हाँ जी गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं जो भी पढ़ती हूँ जब किसी के सामने एक्सप्लेन करना होता है तो अंदर मतलब मेरे अंदर रहता है कि मुझे पता है बट मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ किसी के भी सामने। उसके पीछे रीजन क्या होता है? पता नहीं मैम शायद हमको लगता है शायद बोलो तो गलत हो जाए मतलब ये डर हाँ। वाली बात तो सामने पहले से आपने अपने लिए थिंकिंग आपने बना रखी है कि आप निगेटिव ही करोगे। जब आप अपने लिए निगेटिव इमेजिनेशन रख रहे हो मैंने आपको बताया कि यूज योर इमेजिनेशन इन अ पॉजिटिव वे। आप हमेशा अपने इमेजिनेशन को पॉजिटिव वे में ले जाओ कि हाँ मैं बोलूंगी हो सकता है मे बी आई वॉज रॉन्ग आई मे बी आई एम रॉन्ग मैं एटलीस्ट अपने आप को तो प्रेजेंट कर रही हूँ। आपने कंटेंट गलत बताया होगा बट आपने खुद को प्रेजेंट किया है वहां पे। अगर आपके जो भी टीचर्स हैं तो वो ये जरूर बोलते हैं कि अगर ठीक है आपने गलत बताया बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ या करती हूँ कि आपने एटलीस्ट बोला तो इन 10 या 30 के बीच में आप एक हो जो उन्होंने रिस्पॉन्स किया। कंटेंट मैटर नहीं करता आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करता है। ओके अगर मान लीजिए मैं कंटेंट रेडी करके ना आऊं मैं ये पीपीटी पे मैंने आपको कंटेंट बताया ठीक है ये कंटेंट है और ये कंटेंट मुझे पता है बट अगर मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ तो कंटेंट का क्या मतलब है? कोई वैल्यू नहीं है तो कंटेंट पे मत जाइए। आप हम अभी क्या कंटेंट से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं? हम कंटेंट से रिलेटेड डिस्कशन नहीं कर रहे। आप मेरे से अपनी बात रख रहे हो मैं आपको अपनी बात का जवाब दे रही हूँ तो वो कंटेंट रिलेटेड नहीं है वो सिर्फ ये है कि हाँ हमें अपनी बात को टेस्ट करना चाहिए इन व्हाटएवर वे एम नेगेटिव वे में भी नहीं होना चाहिए कि हाँ हम किसी को एम्बैरस मैम थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया शायद मैम यस मुझे बताना ही नहीं मुझे उसे क्लियर दिखाना कि हाँ मैं बोल सकती हूँ सर इतना सोच के बोलना। और किसी का कोई डाउट हो तो थैंक यू ले लीजिए क्योंकि डाउट्स क्लियरेंस के लिए मैम अभी हैं फिर उसके बाद सेशन को लगभग हम एंड करेंगे। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन अगर डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। अगर किसी और को भी डाउट हो और अभी आप बोल नहीं पा रहे तो मैं फ्यूजिस को मेल अपनी बता दूंगी आप मेल आईडी पे हमें मैसेज करिए आप अपने चीजों के इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करिए ठीक है हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे और हम आपको गाइडेंस जी मैम। तो मैम मुझे लगता है अगर ये लोग डाउट नहीं पूछ रहे हैं सो वी शुड एंड अप द सेशन। तो सेशन अब देख लेते हैं कि अगर किसी के डाउट हैं तो फाइनल मैं छोड़ रहा हूँ इन लोगों पे कि दे शुड आस्क देयर डाउट्स। आकाश जी नसीरुल इस्लाम दिल्लू सागर जड़े आकाश स्वामी और जितने भी लोग हैं सो यू कैन आस्क योर डाउट्स इफ यू आर हैविंग फाइनल कॉल है। तो मैम मुझे लगता है कि आपके जो एक्सप्लेनेशंस थे और जो पीपीटी के माध्यम से आपने समझाया तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो मुझे वहीं से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी कि चीजें क्लियर कैसे होंगी। तो आज के सेशन को अब मैं बाइंड अप करता हूं और मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगा
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। मैम एंडिंग रिमार्क्स के लिए मैं आपके लिए पास छोड़ना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए, जो भी आप एंडिंग रिमार्क्स देना चाहें। एंडिंग रिमार्क्स में अभी जैसे कि हमसे जिन्होंने भी क्वेश्चंस पूछा उनके क्वेश्चंस बेसिकली इस पे थे कि हम सोशल स्पीकिंग, हम सोशली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो एग्जाम ये सब चीजें तो सेकेंडरी है, फर्स्ट ये है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, ठीक है, आप हमेशा रियल रहो, गुड इमेज के वे में कभी भी मत जाओ, क्योंकि गुड इमेज वाले अगर आपने अपने दिमाग में बना लिया तो आप हमेशा गलत करोगे। हम झूठ बोलते भी हैं सिर्फ गुड इमेज के लिए, हम गलत करते हैं हमेशा गुड इमेज के लिए, तो अवॉइड गुड इमेज, एक्सप्रेस एंड एक्सेप्ट, बेसिकली फर्स्ट एक्सेप्ट एंड देन एक्सप्रेस व्हाट एवर यू आर। ये मेरा बहुत मोटो, मतलब आप बोल सकते हो कि ये मेरा कोटेशन भी है, मैं इसको बहुत फॉलो करती हूँ इन माई लाइफ ऑल्सो, एंड योर माइंड इज योर, आप अपने माइंड के खुद गवर्नर हो, सीएम हो पीएम हो, आप गवर्न करो अपने माइंड को कि आपको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, उसके बाद तो आपकी लाइफ अच्छे वे में जाएगी। और प्लीज मेरी स्लीप और डाइट ये वाली प्लान्स को प्लीज फॉलो करना, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, आपकी थिंकिंग बहुत चेंजेस आएंगी, क्योंकि एंग्जाइटी और फियर इशू हमेशा होते हैं और आप इससे बच पाओगे। थैंक यू सो मच पियूष। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग, और मैम आगे भी जरूरत पड़ेगी जब भी बच्चे डिमोटिवेट करेंगे वी विल कॉल यू, और हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, क्योंकि वी ऑल आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीलिम्स के बाद शायद बहुत से लोग होंगे जो डिमोटिवेट फील करेंगे, जिनका अच्छा नहीं जाएगा, जिनका अच्छा जाएगा वो मेंस के लिए डिमोटिवेटेड फील करेंगे, और जो मेंस क्वालिफाई कर लेंगे वो इंटरव्यू के लिए डिमोटिवेट फील करेंगे, तो पूरी साइकिल ही इंटरव्यू के लिए आपके सेशन को हम लोगों के लिए, मतलब नेक्स्ट जो साइकिल में हम जाएंगे तब आपके सेशन के लिए वी ऑल आर ईगरली वेटिंग, और वी होप दैट यू विल गिव अस टाइम इन द मीनवाइल। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल फॉर ऑलवेज ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू मैम।